हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका केंद्रीय विद्यालय की तरफ से भर्ती निकली है जेएसए की, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है उसके लिए आपका डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि आपको सिलेबस को मालूम है, मैं आपको यहाँ पर एलेबोरेट करके उसको बताने वाला हूँ कि आपका जो 6 सेक्शन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, उसके तहत कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों बता दूँ, इससे पहले आपका KBS के लिए 2018 में पेपर हुआ था उसके लिए क्या कट ऑफ गई थी, कितनी वैकेंसी थी उस समय, इस समय कितनी वैकेंसी है, ये सारा वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एज अ JSA पोस्टेड हूँ इन नवोदय विद्यालय में, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, पहली अटैम्प्ट मैंने अपना JSA का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। चलिए, और इसके अलावा JSA के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, कट ऑफ के ऊपर बना चुका हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बेस्ट बुक्स क्या रह सकती हैं आपके जो आपका JSA का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज होती है, कौन सी अच्छी रहेगी जिसका आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन सी मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा आपको हिंदी और कंप्यूटर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लीजिए, और नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ढेर सारी अपडेट आपको देते रहूँगा। कोई PDF या कोई भी नोट्स वगैरह है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, जो भी क्लासेस रहेंगी हमारी उसकी जो PDF आपको वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं कि आपका जो KBS का डिटेल जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, KBS JSA डिटेल सिलेबस 2022, ठीक है। चलिए, तो आपका 6 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे टोटल, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर, इन सब से लेकर आपके 20-20 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने 20 क्वेश्चन, इससे 20 क्वेश्चन, इससे 20-20, सबसे 20-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 120। टोटल आपको मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 120, और टोटल आपका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 120। सॉरी, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपके कमेंट आए थे। तो दोस्तों, आपका अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा जिसमें आपके सारे कमेंट पिक करके आपके कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपका कमेंट था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं, तो दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन में हमें किसी भी तरीके का ये बताया नहीं गया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ना हो, बट हम कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, हो सकता है जब एडमिट कार्ड आए तो उसमें मेंशन हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो नो है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी की तैयारी मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी, इसमें देखिए मैंने इसको 3 सेक्शन में बांट रखा है। सबसे पहले आपका वोकैब जो रीडिंग सेक्शन है, जो आपका पढ़ने का जो सेक्शन है वो पूछा जाएगा, जिसमें आपके गद्यांश पूछा जाएगा, 4 से 5 मार्क्स का रहेगा। एक पूरा पैसेज आएगा स्टोरी टाइप का, उसमें कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है कि गद्यांश में बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स देके उसमें पूछ ले कि बताइए इस जगह कौन सा क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन देके, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपका व्याकरण का सेक्शन रहेगा, व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी में। तो आपसे देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, इसमें से कहीं कौन सा सही वाक्य है, कौन सा गलत वाक्य है, ठीक है। संधि विच्छेद पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए मन हर प्लस हर ए लिख देगा, अब 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, तो बताइए ऑप्शन का क्या सही होगा। तो एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा मनोहर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। समास पूछा जाएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला कौन सा समास है, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा है। बहुव्रीहि, कर्मधारय समास, ठीक है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे समास पूछे जाएंगे, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अलंकार पूछे जाएंगे, यमक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, ये बहुत सारे तरीके के अलंकार होते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा और ट्रिक से आपको याद भी करवा दूंगा। वचन पूछे जाएंगे, एक वचन, बहुवचन, लिंग कारक, मेल है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक पूछे जाएंगे, कर्म, कर्ता का कर्म से कवि, क्रिया को, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद शब्दावली, यानी कि जो हमारा इंग्लिश में जिसे हम वोकैब बोलते हैं, तो उससे क्या क्या सेक्शन पूछा जाएगा। ये आपका एक सेक्शन है जिसमें आपका रीडिंग से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 7 से 8, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से, 7 से 8 क्वेश्चन आपके वोकैब से आएंगे। वोकैब में क्या पूछा जाएगा, तत्सम, तद्भव पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे आप बताइए कर्पूर और कपूर, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये था आपका कर्पूर, इस ये होता है तत्सम यानी कि पुराना, और ये होता है कपूर जो कि नया है, तद्भव उत्पन्न हुआ है, तो ये नया होता है, ये पुराना। तो इस तरीके से आप सोचिए, बताइए कौन सा, 4 ऑप्शन देगा, कौन सा तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा है,
या पूछ लेगा ये दे देगा इसका तद्भव शब्द क्या हुआ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची तो आपको मालूम ही है, ठीक है, कमल का पर्यायवाची, गधे का पर्यायवाची है ना, वैशाख नंदन होता है, तो इस तरीके से आपके पर्यायवाची पूछे जाएंगे। ठीक है, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, काले का क्या हुआ, सफ़ेद होगा, गोरे का क्या हुआ, काला हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगे आपके कि ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या हुआ, इस तरीके से पूछा जाएगा। लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी आपसे, है ना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो इसमें क्या है, तो दो दुष्टों में समानता होना, तो इस तरीके से आपसे मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद अनेकार्थी जो शब्द होते हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, जैसे कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, इसके लिए एक शब्द में क्या हुआ, तो श्री गणेश करना, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तनी शुद्धिकरण पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए कि जो संन्यास होता है इसको शुद्ध शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, संन्यास जो होता है इसको सही रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको मालूम होगा संन्यास कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये इसका सही शुद्ध वर्तनी है। तो आप चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा वर्ड सही है, तो ये रहेगा आपका हिंदी का सेक्शन। इसके बाद इंग्लिश में सेम सेक्शन है, इंग्लिश में भी, इंग्लिश का कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, गद्यांश की जगह पाँच नंबर का आरसी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर पूछी जाएगी आपसे, ग्रामर में जो आपका यहाँ बाकड़ था यहाँ ग्रामर आ जाएगा। एरर डिडक्शन पूछेंगे, दो से तीन क्वेश्चन आएंगे एरर पूछे जाएंगे। इसके अलावा नाउन प्रोनाउन ये एरर में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, वर्ब पूछेगी, प्रपोजिशन, कंजक्शन पूछेंगे, आर्टिकल ए एन द पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, इस तरीके से। इसके बाद वोकैब वाला सेक्शन आएगा जो कि यहाँ पर था, आपसे वन वर्ड पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे वन हु इज़ टोटल एल्को टोटल वो पूछा था ना, डिप्सोमेनिया किसे बोलते हैं, डिप्सोमेनिया, तो वन हु ऑब्सेशन ऑफ एल्कोहल, तो उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंटो से पूछा जाएगा, सनो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इसके अलावा स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है इसमें ये पूछी जाएगी कि बताइए कोई भी रेंडमली आपको स्पेलिंग दे देगा, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये होती है क्या होती है, तो ग्रामर की स्पेलिंग जो होती है वो आपकी GRAMMAR, ये आपकी सही स्पेलिंग होती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो आपसे नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा, SICI पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे एज हो गया, ठीक है, एज का हो गया, इसके अलावा टाइम एंड स्पीड, और इसमें डिस्टेंस भी आपका इंक्लूड हो जाता है, ये आ गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, हो सकता है वो उनसे भी क्वेश्चन डाल दे। इसके बाद एडवांस मैथ की बात करेगी कि क्या एडवांस मैथ इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें कोई भी एडवांस मैथ का जिक्र नहीं है सिलेबस में, बट आप फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के चलिएगा, हो सकता है वो एक दो क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, क्योंकि NVS का भी GSA 2022 में हुआ था, उसमें सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि एडवांस मैथ पूछा जाएगा, और पेपर हुआ उन्होंने एडवांस डाल दिया, तो आप एडवांस पढ़ के जाइएगा, ये भ्रम बन रहेगा कि एडवांस नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो एनालॉजी पूछी जाएगी आपसे, वो ABC, BCG, तो इसका आगे सीक्वेंस क्या बनेगा, इस हिसाब से नंबर सीरीज पूछी जाएगी आपसे, अल्फ़ाबेट सीरीज पूछी जाएगी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें काउंटिंग फिगर की निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने स्क्वायर हैं, पेपर कटिंग पूछी जाएगी, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज पूछी जाएगी, कोई वर्ड दे देगा इसका बताइए, मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर इमेज, फिगर एनालॉजी पूछी जाएगी कि चार फिगर हैं, पाँचवा कौन सा फिगर होगा, इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग का रहेगा आपका। ये पूरा जो डिटेल सिलेबस है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसका, है ना, जो भी PDF है वो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इसके बाद GK से क्या पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री पूछी जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे, एक दो ज्योग्राफी से, एक दो इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस। इसके अलावा करंट अफेयर पूछा जाएगा, इसमें अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, योजना, इवेंट, स्टैटिक GK, तो ये सब आपका जो है GK, जो GK वाला सेक्शन है, जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, वो पूछा जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन मेरे द्वारा कराई जाएगी आपको, इसकी कराई जाएगी हिंदी की, और इसमें लगभग मैं आपको प्रत्येक जो सेक्शन है उससे 300 से लेकर 500 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका कहीं पर भी ये बाहर नहीं जाएगा। एक या दो वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो आपका लगभग बहुत अच्छे बहुत कम समय में आपको ये पूरा कवर करा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए
करंट अफेयर में आपको लास्ट 6 मंथ का कवर करा दूंगा, वहीं से आपको पूरा करंट अफेयर देखने को मिलेगा। जैसा मैंने NVS में कराया था वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उनको देखने को मिले थे। इसके अलावा हम बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की भी तैयारी मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले बेसिक ये जो फंडामेंटल कंप्यूटर होता है वो पूछा जाएगा, कंप्यूटर क्या है, इसका वर्क क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन, किसने बनाया, किसने आविष्कार किया, हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो बेसिक जो कंप्यूटर होता है कब आया, कब बना, किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, CPU, माउस वगैरह, ये सब उससे पूछेगा। इसके बाद मेमोरी यूनिट जो होती है आपकी वो पूछी जाएगी, रैम, रोम, DROM, EPROM, PROM, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछेंगे, माउस इनपुट है, स्कैनर, जॉयस्टिक, है ना, ये सब क्या है, इनपुट बारकोड रीडर क्या है, इनपुट आपका जो चेक होता है उसमें MICR कोड होता है वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट, तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे। फाइल सिस्टम पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से हार्डवेयर कौन सा, निम्न में से सॉफ्टवेयर कौन सा, इस तरीके से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाएंगे आपसे, लिनक्स है, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस तरीके से आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाएंगे। इसके अलावा MS जो ऑफिस होता है जिसके अंदर आपका MS Word, MS Excel, PowerPoint, है ना, स्प्रेडशीट्स ये आते हैं आपके, तो इनसे भी रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। और ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा पूछने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि अभी NVS JSA का पेपर हुआ था उसमें जो आपका इनसे क्वेश्चन पूछे गए MS ऑफिस से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन में से, और इतना डीपली पूछ लिया था, पूरा का पूरा जो एक्सेल चल रहा था उसमें पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दिया इस तरीके से, A1, B2, C2, C1, तो बताइए यहाँ वैल्यू दे दी इसका, इनको कैलकुलेट करके बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। तो प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी, ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिटो, और ये इनका जो पेपर हुआ था NVS JSA का, क्योंकि लगभग KVS के बराबर ही होता वो, तो वो मैं आपको जितना शिफ्ट में हुआ था लगभग शायद 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 2 शिफ्ट का वो प्लस जो और अदर पोस्ट थी उनमें भी कंप्यूटर पूछा गया, तो वो सारे मैं आपको जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे वो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताऊंगा। क्योस्क, ये एक नया वर्ड जुड़ा है इन्होंने, क्योस्क, इससे रिलेटेड NVS में क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्योस्क क्या होता है, क्योस्क लॉगिन क्या होता है, ID क्या होती है क्योस्क, ये सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। साथ ही साथ IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या आता है, AI कब आया था, मोबाइल स्मार्टफोन जो आ रहे हैं, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सब क्या है, तो इतना सारा कुछ आपको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा। ये सारा मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी, ठीक है। तो 3 सेक्शन आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, GK कंप्यूटर और हिंदी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने डिटेल सिलेबस बना दिया, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कटअप का वीडियो डाल दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा वो प्रीवियस ईयर पेपर में कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, कि प्रीवियस ईयर पेपर मुझे अगर कहीं से मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए थे 2018 में, और इस बार किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बेस्ट बुक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इतना ही रखते हैं वीडियो में, बाकी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।